तो आ गए आप। तो इस एपिसोड में हम सबसे पहले सॉल्युबिलिटी के बारे में बात करेंगे। तो ये है 100 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट। ये वाटर भी हो सकता है और कोई दूसरा लिक्विड हो सकता है जिसके अंदर हम सॉल्यूट को डिसॉल्व करेंगे और सॉल्यूशन को बनाएंगे। तो ये 100 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट है। इस सॉल्वेंट की कैपेसिटी कि ये अपने अंदर कितना सॉल्यूट डिसॉल्व कर सकता है एक पर्टिकुलर टेम्परेचर के ऊपर, उसे ही हम इस सॉल्वेंट की सॉल्युबिलिटी कहेंगे। तो इसे ही हम डिफाइन करने वाले हैं। तो हम इसे ऐसे डिफाइन कर सकते हैं, द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट विच कैन बी डिसॉल्व्ड इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर इज नोन एज द सॉल्युबिलिटी ऑफ द पर्टिकुलर सॉल्वेंट। तो मान लो कि ये है 100 ग्राम्स ऑफ वाटर, तो इसके अंदर हम शुगर मिक्स करेंगे। तो जब हम शुगर मिक्स करेंगे तो हमें ये पता चलेगा कि इसके अंदर एक पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ शुगर ही मिक्स हो सकती है। उस अमाउंट के बाद में वो शुगर नीचे सेटल होने लगेगी। तो इसे ही हम कहते हैं सॉल्युबिलिटी। जितनी शुगर इस वाटर के अंदर डिसॉल्व हुई वो सॉल्युबिलिटी है। तो मान लो कि इसके अंदर 20 ग्राम्स ऑफ शुगर डिसॉल्व हुई, तो इस 100 ग्राम ऑफ वाटर की सॉल्युबिलिटी 20 ग्राम है, यानी कि इसके अंदर हम 20 ग्राम ऑफ शुगर डिसॉल्व कर सकते हैं। तो यही है मतलब सॉल्युबिलिटी का। सॉल्युबिलिटी टेम्परेचर के ऊपर भी डिपेंड करती है। तो जब हम टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे, तो जैसा हमें पता है कि टेम्परेचर को इंक्रीज करने पे पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी भी इंक्रीज हो जाती है। तो इस काइनेटिक एनर्जी के इंक्रीज होने से जो पार्टिकल्स के बीच में स्पेस है वो भी इंक्रीज हो जाएगी। जब स्पेस इंक्रीज होगी तो जो सॉल्यूट के पार्टिकल्स है वो इसके अंदर ज़्यादा डिसॉल्व हो पाएंगे, क्योंकि उन्हें ज़्यादा जगह मिलेगी, इसकी वजह से वो ज़्यादा डिसॉल्व हो जाएंगे और सॉल्युबिलिटी इंक्रीज हो जाएगी। तो ऐसे टेम्परेचर को इंक्रीज करने से सॉल्युबिलिटी भी इंक्रीज हो जाती है। तो अब इस सॉल्यूशन के अंदर इतने ही पार्टिकल्स आ सकते हैं, किसके? सॉल्यूट के, यानी कि शुगर के। तो इस सॉल्यूशन को हम कहेंगे सैचुरेटेड सॉल्यूशन। अब अगर हम इसके अंदर और शुगर डालें तो वो शुगर इसके अंदर डिसॉल्व नहीं होगी, मिक्स नहीं होगी, क्योंकि इसके अंदर सारी स्पेस भर गई है। अब और सॉल्यूट के पार्टिकल्स इसके अंदर आ नहीं सकते, डिसॉल्व नहीं हो सकते। तो अब इसे हम कहेंगे सैचुरेटेड सॉल्यूशन। तो हम एक सैचुरेटेड सॉल्यूशन को ऐसे डिफाइन कर सकते हैं, अ सॉल्यूशन इन विच नो मोर क्वांटिटी ऑफ सॉल्यूट कैन बी डिसॉल्व एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर इज नोन एज सैचुरेटेड सॉल्यूशन। ये तो होगी सैचुरेटेड सॉल्यूशन। तो हम फिर से थोड़ा वाटर लेते हैं। तो ये है वाटर और इसके अंदर हम डालेंगे शुगर। तो हम इतने से ही शुगर डालते हैं इसके अंदर। तो अब ये शुगर पार्टिकल जो वाटर के पार्टिकल्स के बीच में स्पेस है उसके अंदर चले जाएंगे। तो अब तुम देखो कुछ स्पेस खाली है, यानी कि इसके अंदर और सॉल्यूट के पार्टिकल्स आ सकते हैं। तो हम इसके अंदर और शुगर डिसॉल्व कर सकते हैं। तो इस सॉल्यूशन को हम कहेंगे अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन, यानी कि इस सॉल्यूशन के अंदर और सॉल्यूट पार्टिकल्स आ सकते हैं। ये सैचुरेटेड का उल्टा है, सैचुरेटेड के अंदर और सॉल्यूट के पार्टिकल्स नहीं आ सकते, पर इसके अंदर और सॉल्यूट के पार्टिकल्स इसके अंदर आ सकते हैं, डिसॉल्व हो सकते हैं। तो हम एक अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन को ऐसे डिफाइन कर सकते हैं, अ सॉल्यूशन इन विच मोर क्वांटिटी ऑफ सॉल्यूट कैन बी डिसॉल्व्ड विदाउट राइजिंग द टेम्परेचर इज नोन एज अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। अब टेम्परेचर को जब हम इंक्रीज कर देंगे तो सॉल्युबिलिटी तो इंक्रीज होनी है, इसलिए इसके अंदर मेंशन किया हुआ है कि बिना टेम्परेचर को इंक्रीज करने पे जिस सॉल्यूशन के अंदर और सॉल्यूट डिसॉल्व हो सकता है उसे हम अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन कहेंगे। तो सैचुरेटेड सॉल्यूशन का अगर हम टेम्परेचर इंक्रीज कर दें तो उसकी सॉल्युबिलिटी इंक्रीज हो जाएगी, यानी उसके अंदर और सॉल्यूट आ सकता है, इसीलिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि विदाउट राइजिंग द टेम्परेचर, बिना टेम्परेचर को इंक्रीज करे हुए अगर हम इसके अंदर और शुगर या सॉल्यूट डिसॉल्व कर सकते हैं तो इसे हम कहेंगे अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। ये तो हो गए सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड। तो अब हम कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन की तरफ चलते हैं। एक सॉल्यूशन कितनी कंसंट्रेटेड है, यानी कि उसके अंदर कितना सॉल्यूट प्रेजेंट है, उसे हम कहेंगे कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। हम इसे ऐसे डिफाइन कर सकते हैं
The concentration of a solution is the quantity of solute present in a particular amount of solution. यानी कि एक पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन के अंदर कितना अमाउंट ऑफ सॉल्यूट है उसे हम कंसंट्रेशन कहते हैं। तो हम कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन दो तरीकों से निकाल सकते हैं। पहला तरीका है मास बाय मास परसेंट। तो इस मेथड का एक फॉर्मूला है जो ये कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल टू मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। मास ऑफ सॉल्यूट हो गया मास सॉल्यूट का जिसे हम सॉल्वेंट के अंदर मिक्स करेंगे और सॉल्यूशन को बनाएंगे, ये हमेशा दिया हुआ होता है। और मास ऑफ सॉल्यूशन हो गया पूरी सॉल्यूशन का मास, इसके अंदर सॉल्यूट का भी मास आ जाएगा और सॉल्वेंट का भी मास आ जाएगा, और मास ऑफ सॉल्यूशन उन दोनों को ऐड करने पे हमें मिल जाएगा। आगे एग्जांपल देखेंगे तो तुम्हें और क्लियर हो जाएगा। दूसरा मेथड होता है मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज ऑफ अ सॉल्यूशन। इसका फॉर्मूला होता है मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। इसके अंदर हम सॉल्यूट का मास लेते हैं और सॉल्यूशन की वॉल्यूम लेते हैं और फिर मल्टीप्लाई कर देते हैं 100 से। इनसे हम कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन निकाल सकते हैं कि एक पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन के अंदर कितना सॉल्यूट प्रेजेंट है। तो एक एग्जांपल देखते हैं। अ सॉल्यूशन कंटेन्स 40 ग्राम ऑफ कॉमन सॉल्ट इन 320 ग्राम्स ऑफ वाटर। कैलकुलेट द कंसंट्रेशन इन टर्म्स ऑफ मास बाय मास परसेंटेज ऑफ सॉल्यूशन। इसके अंदर हमें ये दिया हुआ है कि हम 320 ग्राम ऑफ वाटर के अंदर 40 ग्राम सॉल्ट ऐड करते हैं। तो हमें ये बताना है इस सॉल्यूशन के अंदर कितना परसेंट सॉल्ट है। तो हम मास बाय मास परसेंटेज का यूज़ करेंगे क्योंकि क्वेश्चन में यही कहा हुआ है कि हमें मास बाय मास परसेंटेज का यूज़ करना है। तो इसका फॉर्मूला होता है मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। अब ये मास ऑफ सॉल्यूशन तो दिया हुआ ही नहीं है, यहाँ पर तो मास ऑफ सॉल्ट दिया हुआ है और मास ऑफ वाटर दिया हुआ है। तो हमें पता है कि एक सॉल्यूशन सॉल्यूट और सॉल्वेंट के मिलाने पे बनती है। यहाँ पे कॉमन सॉल्ट क्या है, सॉल्यूट है क्योंकि वो कम क्वांटिटी में है और वाटर के अंदर डिजॉल्व होगा और वाटर है सॉल्वेंट। तो पूरी सॉल्यूशन का मास इन दोनों का सम होगा ना। हाँ, इन्हें ऐड करने पे हमारे पास सॉल्यूशन का मास 360 ग्राम आ जाएगा और सॉल्यूट तो हमें दिया हुआ है, सॉल्यूट का मास है 40 ग्राम इनटू करेंगे 100 से। तो इसको कैलकुलेट करने के बाद ये 11.1% आ जाएगा। तुम इसका मतलब समझो, परसेंट परसेंट पर और सेंट को मिलाने पे बनता है। तो सेंट का मीनिंग होता है 100, यानी पर 100 पे 11.1 ग्राम ऑफ शुगर है, 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन है, तो इसके अंदर 11.1 ग्राम सॉल्ट होगा। इसका यही मतलब है 11% ऑफ सॉल्यूट का। तो इस एपिसोड में इतना ही पढ़ेंगे, तो मिलते हैं अगले एपिसोड में, तो जल्दी आ जाना।